तो भाई ये है रेड सी मॉल, और इधर है 2 नंबर गेट, और इधर है 3 नंबर गेट उधर। और तो दोस्तों अभी आ चुके हैं अल हदाया सेंटर हमदानिया वाला, और भाई खाना नहीं खा पाए इसलिए कि इनका फ़ोन आ गया था और राजा देर कर रहे थे, तो हमने कहा पहले इनका काम निपटा देते हैं बाद में जो है खाना खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो भाई अभी दोपहर का बज गया है 1:05। तो कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि लड़की को शाम को लेने गए थे अरब मॉल, तो ये सब सामान लेके आई थी, कपड़े इसमें रखे हैं, ये देखो सब कपड़े लेके आई हैं, इसमें बिल भी पड़ा है और एक किस ये पड़ी है, तो इसको तो पूरा वापस करना है। इसमें एक वो है टी शर्ट है उसको जो है चेंज करना है, स्मॉल साइज लेना है, लार्ज लेना है, और एक पैजामा है उसको वापस करना है। इनका तो ये सिस्टम तो रहता ही है, हमको पहले ही पता चल गया था, ये सफर जा रही है ना, तो इनको सामान लेके आएंगे इनको वापस करना ही रहेगा, ये तो 110% समझ लो वापस करना ही रहेगा। तो अभी चलते हैं अरब मॉल और इसको वापस करते हैं, और भाई आज जल्दी जाना पड़ रहा है इसी वापस के चक्कर में। और एक चीज और दी है, ये है अलमारी की वो स्लाइडिंग वाले पल्ले के ये पहिए स्टिक, तो इसको भी लेना है, तो इसकी लोकेशन भी आ चुकी है। तो अभी पहले चलेंगे अरब मॉल, उसके बाद में जाएंगे ये इशारा हेरा, ये भी ले लेंगे। और 3 बजे मदरसा छूटता है, लेकिन हमको 1 बजे निकलना पड़ रहा क्योंकि ट्रैफिक होगा और बदलने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा पहले निकल रहे हैं। तो अभी चलते हैं सबसे पहले अरब मॉल। और भाई सामान आया है, हमको लग रहा है हाफिज जी के वहाँ, ये आला हाफिज जी का घर है, तो हमको लग रहा है कुछ सामान चढ़ाने लिए तभी ये मशीन आई है, क्रेन ये लगी। हाँ ये देखो सामान चढ़ रहा है, ये देखो ऊपर। तो सामान चढ़ रहा है, कुछ मस्त आया है, वही ऊपर चढ़ाना होगा। 3 दोस्तों अभी आ चुके हैं अरब मॉल में, और चल रहे देखते हैं कहाँ पर, भैया ढूंढना पड़ेगा, बताएं 4 नंबर गेट पे, लेकिन देखना पड़ेगा कहाँ पर है। ये है अरब मॉल, अभी आ चुके हैं अंदर। तो दोस्तों एक ये दुकान है ब्लू एज, इसी में कपड़े चेंज करना है, मतलब चेंज नहीं वापस करना है, तो अभी चलते हैं वापस कर देते हैं इसको, भीड़ तो नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों अभी कपड़े वापस कर दिए, फतूरा मिल गया रिटर्न और पैसे मिल गए हैं, अभी चलते हैं इसको जो है चेंज कर लेते हैं। तो भाई दूसरा भी मिल गया, ये रहा सामने, ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ा, सेंटर पॉइंट के पड़ोस में ही है, अभी चलते हैं यहाँ भी काम निपटा लेते हैं, फिर चलते हैं रूम पे। हाँ भाई फिर चलेंगे भाई मदरसे, सॉरी रूम भूल गए, यहाँ भी मस्त सेल लगी है जाड़ों की, पूरा सेल ही सेल है, ये सब इधर गर्म कपड़े वगैरह लगे हैं, लॉन्ग बूट जूते। तो दोस्तों अभी आ गए हैं ये दुकान पे जहाँ ये वाली गरारी लेना है, तो यही है दुकान, अब देखते हैं उतर के कौन सी है, वैसे यहाँ तो मशीनें वगैरह मिलती हैं, फिलहाल उतर के देखना पड़ेगा, और आगे भी दुकानें हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं मदरसे में, और भाई ये लेने गए थे, ये तो मिला नहीं, बता रही है सुबह 7 बजे खुल जाता है, छोड़ो हटाओ। अभी फ़िलहाल आ चुके हैं मदरसे और ले आए हैं भाई खाना, क्योंकि लगी थी भूख यार, मेरे सुबह नाश्ता किया था लेकिन फिर भी भूख लगाई क्योंकि 2:30 बज गया है, अभी यहीं गाड़ी में खा लेंगे खाना। ये सही देखो आगे कौन है। तो दोस्तों इधर है हदीका ये पूरा, और ये रही मस्जिद। तो अभी आए हैं इधर क्या नाम है कुबरी तहलिया की तरफ, इधर ब्यूटी पार्लर है, वहाँ आई है लड़की लेके, तो यहीं रुके हैं, मदरसे से सीधा इधर ही आ गई, हम का चलते इधर नमाज पढ़ लेते हैं चल के, क्योंकि टाइम हुआ अभी 4:15, तो अभी चलते हैं फिर वहीं इंतज़ार करेंगे चल के, सफ़र जा रही हैं तो पार्लर भी जाएंगी, सब कहीं जाएंगी, शॉपिंग भी करेंगी भाई। तो दोस्तों लड़की को वहाँ से लाने के बाद में अभी आ चुके हैं भाई रेड सी मॉल, तो दूसरी वाली जो लड़की है
वो आज 3 दिन से लगातार अरब मॉल, रेडसी मॉल, यही आज फिर रेडसी मॉल आई है। तो अभी आ चुके हैं गेट नंबर 4 पे, तो सामने है गेट नंबर 4 का बोर्ड और नीचे भाई पार्किंग, इतनी भाई पार्किंग में इतनी जाम लगी है पूछो मत। तो अभी चलते हैं, रिसीव कर लेते हैं चल के उसको। भाई रेडसी में लगा है मेला, चल रहा है देखो झूला, और सब चिल्ला रही है ऊपर, भाई ये निकली नहीं है। हमने कहा तुम आई नहीं हो, आगे जा रहे, कहें आगे जाओ, कोई मुश्किल नहीं, पार्किंग लगा दो जाके गाड़ी में। और इधर इधर जो पड़ोस में ये दिख रहा है, इधर सब ये पहले यहाँ सिटी वॉक बना था, अभी नाम चेंज कर दिया है, पता नहीं क्या है, हाँ नेशनल इवेंट सेंटर, अभी नाम है नेशनल इवेंट सेंटर जिद्दा। तो अभी चलेंगे, 2 नंबर या 3 नंबर गेट है इधर, यहीं पे कहीं पे पार्किंग लगा देंगे चल के, बाद में जब निकलेंगी तो खुद ही फ़ोन करेंगी कई नंबर गेट पे हो। इधर देखो 3 नंबर गेट का रास्ता है, इधर ही कहीं लगा देंगे गाड़ी आराम से। और भाई इधर इतना सन्नाटा है ना, इसलिए कि इधर सब बंद कर रखा है, ये देखो सब इधर बिल्कुल सन्नाटा है, वरना ये रास्ता पूरा जाम होता था, ये पूरा जाम होता था, अभी बिल्कुल एकदम सन्नाटा है। तो भाई ये है रेडसी मॉल, और इधर है 2 नंबर गेट, और इधर है 3 नंबर गेट उधर, और देखो कैसा नज़ारा है सब देख लो। और भाई ये है बाइक, देखो बॉक्सर बजाज की है, ये 150 सीसी है, तो जो हंगर स्टेशन वाले हैं वो यही चलाते हैं गाड़ी, देख लो भाई बजाज की बॉक्सर। और दोस्तों भाई अभी थोड़ा मौसम नॉर्मल है ना, जनवरी का महीना चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, पार्किंग में गाड़ी लगा दो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। और भाई गर्मी में तो पार्किंग में बैठने मुसीबत हो जाता है, तो सीधा अंदर निकल जाते हैं, अंदर एसी चला करती, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बैठे रहो जितनी देर मर्जी हो। तो दोस्तों अभी आ चुके थे सैदलिया पे, लड़की जो है दवा कह रही थी, भेजी थी व्हाट्सअप पे, तो कह रही थी ले लो, तो यहाँ दिखाया सैदलिया पे, तो बता रहा वो कहीं सैदलिया पे नहीं मिलेगी। अभी लड़की बैठी है गाड़ी में, अभी टाइम हो रहा है 10:10, ये रही गाड़ी, तो अभी चलते हैं, राजा को फ़ोन भी कर दिया है, वो आ रहा होगा रोटी लेके, फिर खाएंगे खाना। अभी आ चुके हैं भाई नहदी में सिगरेट लेने के लिए, और 14 सिगरेटें मंगाई है, अभी देखो देख, अभी देखो खरीद रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ अभी 4 ही मिली हैं, और बाकी जो है बाकी लेंगे दूसरी जगह से। तो दोस्तों सिगरेट जो है 4 ही मिली थी, तो दूसरी जगह हम कहने लगे कि दूसरी जगह से ले लें, तो लड़की ने कहा कि ऐसा है अभी रहने दो, रात हो गई, अब ऐसा है तुम सुबह मदरसा छोड़ के जाना तब ले लेना। तो दूसरी वाली लड़की का भी फ़ोन आ गया, अभी वो कहने लगी कि हमको यहीं हमदानिया में थोड़ा काम है, गाड़ी स्टार्ट करो। हमने कहा हम खाना खा लेंगे फिर फ़ोन करेंगे, क्योंकि अभी भाई टाइम देखो 10:35 हो गया है, और इधर खाना भी हमने रख लिया है, और राजा अभी आ रहे हैं, वो भी साथ में खाना खाएंगे, रोटी लेके आ रहा तो फिर वो भी साथ में खाना खाएगा। और खाने में हमने बनाया है आज आलू का भरता, ये देखो बहुत देर का बना हुआ रखा, सब ठंडा हो गया। और भाई मसाले वाला 2-3 दिन से खाना खा रहे थे, तो हमने कहा भाई एक दिन अब सादा खाना खाओ, तो ये भी ज़्यादा सही है। तो अभी खाना खा के फिर लड़की को ले जाना है, देखते हैं हमदानिया में कहीं जाएगी, देखते कहाँ जाएगी, तो पहले खा लेते खाना उसके बाद में देखते लेके उसको। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं अल हदाया सेंटर हमदानिया वाला, और भाई खाना नहीं खा पाए इसलिए कि इनका फ़ोन आ गया था और राजा देर कर रहे थे, तो हमने कहा पहले इनका काम निपटा देते हैं बाद में जो है खाना खाएंगे। तो तब तक राजा भी आ गए थे, हमने कहा ऐसा है दरवाज़ा खोल दिया, तुम खाना खा लो और हम आएंगे बाद में खाना खा लेंगे, और सुबह एयरपोर्ट भी जाना है हमको बुढ़े को छोड़ने, और काम भी बहुत है मेरे पास, इनका जो है वही गरारी लेना है पहिए, और ये देखो एक रखा है आज बदल नहीं पाया, मतलब वापस नहीं हो पाया, तो ये भी काम है, मतलब काम ही काम है, क्योंकि सफ़र जा रहे हैं तो पूरा नचाए डाल लेंगे। तो देखते हैं अभी कितनी देर में इनका ख़त्म होता है, उसके बाद में जाएंगे भाई रूम पे। तो दोस्तों अभी आ चुकी है फूल की दुकान यानी महल वर्द, अभी इनका काम नहीं ख़त्म हो रहा है कुछ लेना देना नहीं है, खाली बस घूम रही है,
अभी अलहदाया सेंटर गई, निकल आई, कुछ नहीं लेके आई। अब यहाँ अंदर गई हैं महलवर्द, यहाँ भी देखो क्या लेने गई हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं रूम पे भाई, इन्होंने बहुत देर लगा दी। देखो टाइम कितना हो रहा है, 12:40 हो रहा है रात का, और सुबह मदरसा भी है। तो फिलहाल ये फूल लेके आई हैं, एक इधर रखी एक इधर रखा है। तो ये सुबह किसी को देना है, अभी हमने खाना भी नहीं खाया, जल्दी जल्दी चले गए। तो फिलहाल अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।